डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कल पढ़ाया जा चुका जिसमें हमने एक क्वेश्चन बताए थे जिसके अंदर पांच क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व करवाया था। आज उससे आगे का देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में देखा था। देखिए इसमें क्वेश्चन है, पाँच भिन्न भिन्न खेल खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। टोटल खिलाड़ियों की संख्या है 4200, उसमें से फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या है 17%, क्रिकेट खेलने वालों की 35%, हॉकी खेलने वालों की 10% और लॉन टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या है 25% और रग्बी खेलने वाले बच्चों की 13%। 4200 टोटल बच्चे हैं, उसमें से इन चार या पांच खेलों में अलग अलग परसेंटेज बच्चों का दर्शाया गया है। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इसी में देखो, महिला खिलाड़ियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। महिला खिलाड़ियों की संख्या है 2000, 2000 में से क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों की संख्या 40%, हॉकी की 15%, लॉन टेनिस की 22% और रग्बी की 10% और फुटबॉल की 13%। ओवरऑल बच्चे हैं कितने, 4200। अगर आप देखिए एक क्वेश्चन से समझो इसको कैसे करना होगा। लिखा हुआ है फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है, फुटबॉल और रग्बी टोटल बच्चों की संख्या है 4200। फुटबॉल और रग्बी, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 17% और रग्बी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 13%। तो आप लिख लेंगे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 17% और रग्बी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी, 13%। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 30% बच्चे हो जाएंगे फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले मिला के। टोटल बच्चों की संख्या है 4200, 4200 टोटल खिलाड़ियों की संख्या 4200, उसमें से फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। आप यहाँ पे लिख देंगे 30% और बटे में कर देंगे 100, तो यहाँ से डबल ज़ीरो कैंसिल कर देंगे और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 12। ये 1260 जो आया है ये फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। इस 1260 में फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की टोटल संख्या, क्योंकि ये कुल खिलाड़ियों की संख्या 4200, फुटबॉल 17%, रग्बी 13%, दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 30%। इसका मतलब हुआ कि 4200 का अगर आप 30% निकालोगे तो फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की टोटल संख्या हमको पता चल जाएगी। तो हमने टोटल संख्या लिखी 4200 और 30% निकाल दिया तो आया 1260, 1260 आएगा फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले बच्चों की संख्या। हमने पूछा क्या औसत, तो औसत बता देते हैं, इसका एवरेज निकाल देते हैं। टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 1260, दो खेल हैं इसमें कौन कौन से, फुटबॉल और रग्बी, तो दो से भाग कर लो तो औसत बन जाएगा। दो से भाग कर दोगे तो कैंसिल करोगे तो दो छंग कितना हो जाएगा, 12 और दो तेई 6, तो फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी आएगी, 630। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर देखेंगे, लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। देखो लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या, तो पहले महिला खिलाड़ियों की संख्या निकाल दो। टोटल महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 2000, 2000 महिला खिलाड़ियों की संख्या, उसमें से लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या है 22%। तो आप इसका निकाल दें कितना परसेंट, 22%, 22% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 440। ये जो 440 आया है लाल टेनिस खेलने वाली केवल महिला खिलाड़ियों की संख्या है, क्योंकि महिला टोटल है 2000 जिसमें से लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं 22%, तो हमने 2000 का 22% निकाला। तो ये ऐसी महिलाएं हैं जो लाल टेनिस खेलती हैं, ऐसी फीमेल खिलाड़ियों की संख्या है। आगे लिखा हुआ है और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। ये तो जो निकाला है हम लोगों ने, ये निकाल दिया है लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या। अब हमको निकालना है रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या और फिर उनका अंतर बताना है। तो अब पहले तो निकालो
4,200 में से रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकालोगे तो रग्बी खेलने वाले कितने परसेंट है? 13%। तो आप पहले तो निकालो 13%, 4,200 टोटल खिलाड़ी, उसका 13% निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रग्बी खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं टोटल। तो आप निकाल देंगे इसका 13% पहले, 13% निकाल देंगे तो 13 दुना कितना 26 कैरी आ जाएगा, तो 13 चौके 52 दो कितना आ जाएगा 54। ये जो 446 आया है ये टोटल खिलाड़ियों की संख्या है, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं और हमको चाहिए केवल पुरुष खिलाड़ियों की संख्या। तो आप क्या करें, महिला खिलाड़ियों की संख्या निकाल के जो क्या खेलते हैं रग्बी खेलते हैं इससे घटा लिया जाए। तो ये जो आया है ये आया है 546 टोटल खिलाड़ियों की संख्या जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। आगे क्या करेंगे, 2000 लिख दिया है ये टोटल महिला खिलाड़ियों की संख्या और उसमें से देख लो रग्बी वाले कितना, रग्बी वाले 10%। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 200। इसका ये मतलब हुआ है कि 546 टोटल खिलाड़ी हैं रग्बी खेलने वाले जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं और ये रग्बी खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या है। टोटल खिलाड़ियों में से महिला खिलाड़ियों की संख्या घटा देंगे 200 तो बचेगा कितना 346। ये पुरुष हैं, मेल कैंडिडेट हो जाएंगे, ये रग्बी खेलने वाले मेन कैंडिडेट। और ये जो ऊपर है ये कौन से हैं, ये लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या, और यही पूछा गया था लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो आपस में दोनों को घटा लेते हैं, घटा लीजिए इसको 440 और 440 से घटा देंगे कितना 346, घटा देंगे कितना आएगा देखिए 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4 और फिर यहाँ कितना बचा हुआ है 3 कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 13 और 13 में से चला जाएगा 4 तो बचेगा कितना 9। तो इस प्रश्न का आंसर देखो कितना आ जाएगा, लाल टेनिस खेलने वाले महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच कितना अंतर आएगा, तो 94 खिलाड़ियों का अंतर आएगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर कितना हो जाएगा 94। अगला देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न, लिखा हुआ क्रिकेट खेलने वाले महिला खिलाड़ियों का हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लग जाएगा, क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पहले आप क्या करेंगे 2000, क्योंकि टोटल महिला खिलाड़ियों की संख्या 2000 है, उसमें से क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या का मतलब है कि आप 2000 का 40% निकाल दें, इससे ये पता चल जाएगा कि क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी कितनी है। तो इसका 40% निकाल देंगे पहले आ जाएगा कितना 800। ये 800 क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या है। तो हो गए यहाँ तक क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों का हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो पहले तो देखो कि हॉकी खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं, तभी ना पुरुष जान पाओगे। तो आप पहले करो टोटल खिलाड़ी 4200, इसमें से हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितने परसेंट है 10%। तो 10% इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 420। ये जो 420 आया है ये हॉकी खेलने वाले टोटल खिलाड़ियों की संख्या है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं और हमको जानना है केवल पुरुष का। तो महिला कितनी हॉकी खेलती है ये निकाल के उससे घटा लेते टोटल वाले से तो पुरुष खिलाड़ियों की संख्या मिल जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले 2000 और इसमें से देखेंगे कि हॉकी खेलने वाली महिला खिलाड़ी कितना परसेंट है 15%। तो 15% निकाल देंगे इसका तो कितना आ जाएगा 300। ये 420 हॉकी खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या है और जो ये निकला हुआ है 300 ये हॉकी खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या है। टोटल खिलाड़ी जो हॉकी खेलते हैं उसमें से महिला हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या घटा देंगे तो पुरुष खिलाड़ियों की संख्या निकल आएगी जो हॉकी खेलते हैं। तो इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा किनकी संख्या, हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। तो क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या आप पहले कितना लिख दें 800 लिख दें,
और उसके बाद हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या लिख दें कितनी, 120। इनका अनुपात पूछा, इसको सरल कर लेते हैं, जीरो से एक जीरो काट लूँ और फिर कितने से काट लिया जाए, चार से काट दें, चार दूना आठ और चार तेई 12। अभी और तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 20:3, क्योंकि पूछा गया था क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या, जो आगे लिखा उसको आगे लिखते हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात कितना है। ये हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 120, इसको इधर रख लिया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया है, फिर चार से कैंसिल कर दिया, चार दूना आठ और चार तेई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20:3। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, चार नंबर लिखा हुआ, फुटबॉल कामा क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो देखें पहले तो आप निकालें टोटल खिलाड़ी 4200। 4200 में फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस, तो फुटबॉल वालों की संख्या कितनी, 17%, और उसके बाद क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितने परसेंट, 35%, और उसके बाद लाल टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 25%। इन सबको जोड़ लेंगे, 5, 5, 10, 7, 17 की 7 कैरी आ जाएगा, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 7, टोटल कितना परसेंट आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इन सबका योग 77%। तो आप क्या करें, इसका टोटल का निकाल दें कितना परसेंट, 77%। 77% निकालने के बाद आपको ये पता चलेगा कि फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, और हमको निकालना है लास्ट में आके क्या, पुरुष खिलाड़ियों की संख्या। हम महिला वाले में भी निकाल देंगे और टोटल खिलाड़ियों की संख्या से महिला खिलाड़ियों की संख्या घटा लेंगे तो पुरुष खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। इसको सरल करोगे तो 00 से 00 कैंसिल कर दो, 42 का गुणा करना है कितने में, 77 में, तो आप कर लें 42 × 77, 7 × 2 = 14 कैरी आ जाएगा, 1 और 14 और 7 = 28, 8 × 4 = 12, 13 × 3 कैरी आ जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा 4, लिख देंगे 3 और 7 = 28, 29, 30, 31, 32 कितना आ जाएगा, 3234, यानी 3234 फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 3234, ये टोटल खिलाड़ियों की संख्या, और हमसे पूछा है पुरुष खिलाड़ियों की संख्या, तो आप महिला खिलाड़ी निकाल दें कि कौन कितनी महिला है जो फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलती है, तो महिला खिलाड़ियों की टोटल संख्या लिखेंगे 2000, और इसमें क्या क्या निकालेंगे, फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस, फुटबॉल ये वाला, क्रिकेट और लाल टेनिस, इसको जोड़ लेते 40 और 40 = 40, 50, 60, 62, 62, 63, 64, 65 और 65 और 10 = 75% निकाल दो इसका, 75% निकालेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वाली केवल महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप 00 से 00 कैंसिल कर लें, 0 कर लें, 10 और यहाँ कितना आ जाएगा, 15। जो 1500 आया है फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या है कितनी, 1500। ये टोटल खिलाड़ी हैं फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलने वालों की टोटल संख्या, तो टोटल संख्या 3234 में से आप 1500 घटा दोगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी आपके सामने, फुटबॉल खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे कितना, 3234, और उससे कितना घटा लेंगे, 1500 घटा लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 1734 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1734 ऐसे पुरुष हैं जो फुटबॉल क्रिकेट और लाल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, 5वां नंबर, रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। आप यहाँ पे देखिए 4200 टोटल खिलाड़ी हैं,
4,200 का आप निकालेंगे कितना परसेंट, 13%। तो आपको ये पता चलेगा कि रग्बी खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं, और यहाँ 2,000 में से 10% घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।